हेयर फॉल, बालों का झड़ना या सफेद बाल या कमजोर या दो मुंह वाले बाल। ऐसे व्यक्ति जिनको ये सारी समस्याएं हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल के लिए कुछ ऐसे योगिक अभ्यास बताऊंगा जिससे कि आप 2 से 3 महीने के भीतर ही भीतर हेयर फॉल, डेंड्रफ, कमजोर बाल, दो मुंह के बाल और सफेद बालों से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम करेंगे आसन। तो 3 आसन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो हेयर फॉल के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और जल्दी से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, पैरों को सीधा करके बैठें और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर लेके जाएं और होल्ड रखें। आप जितना डाउन जा सकते हैं उतना डाउन जाएं और होल्ड रखें। ध्यान रहे कि आपकी कमर स्ट्रेट रहे, चाहे आप इतना ही डाउन जाएं चाहे आप इतना ही डाउन जाएं, सिर्फ वैली को आगे की ओर पुश करें और होल्ड रखें। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें, यथासंभव 3 से 4 बार 20-20 काउंट करके होल्ड रखें और फिर रिलैक्स करें। यह है पश्चिम उत्तान आसन। अब आएंगे दूसरे आसन के लिए। दूसरा आसन करने के लिए कमर के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, फिर अपनी एल्बो से सपोर्ट लें और पूरी स्पाइन को भी ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को अपने सिर से पीछे की ओर ड्रॉप करें मैट पर इस प्रकार, और दोनों हाथों से सपोर्ट लेकर होल्ड रखें। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें, यथासंभव रोकें और फिर धीरे 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 वापस लेके आए स्पाइन को, फिर पैरों को और रिलैक्स करें। फिर से उठाएं श्वास भरते हुए और फिर से पीछे पूरा लेके जाएं, होल्ड रखें, 10 काउंट करें और होल्ड रखें और फिर धीरे 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 वापस लेके आए और रिलैक्स करें। प्रत्येक आसन को करने के बाद 5 से 6 मिनट का गैप लें, उसके बाद दूसरे बार आसन को दोहराएं। तो ये था हमारा हल आसन। अब आएंगे तीसरा आसन, सबसे इम्पोर्टेंट आसन है आपके हेयर के लिए, आँखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए और जीभ में टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। तो आएंगे, तो पहले कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, फिर हलासन में जाएं, फिर हलासन में दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए कमर को, फिर एक एक करके पैर को पूरा लिफ्ट अप करें ऊपर की ओर और यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें, यथासंभव होल्ड रखें, फिर धीरे धीरे लेग को ड्रॉप करें एक एक करके और फिर वापस आए, फिर पूरे पैरों को भी वापस मैट पर लेके आए और रिलैक्स। तो ये था सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को करने से आपके हेयर फॉल, डैंड्रफ, सफ़ेद बाल, दो मुंह के बाल, ऐसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे और जो सफ़ेद हैं वो जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे इस अभ्यास को करने से। और अब अंत में आप एक प्राणायाम का अभ्यास करें, भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ऊपर कार्ड लगा रहा हूँ, तो आप इस पर भी क्लिक कर डायरेक्ट जा सकते हैं वीडियो पर और देखें और भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास करें और रिलैक्स करें। आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।